इस धरती पर मौजूद वजनदार और स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले जानवरों में एलिफेंट्स के बाद राइनोस का ही नाम आता है। वैसे तो ये जीव शाकाहारी होते हैं, लेकिन ये गुस्सेल स्वभाव वाला एक ऐसा जीव है जो भड़क जाने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। इंसान तो क्या, जंगल के दूसरे जानवर भी इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया के इस अनोखे जानवर के एग्जिस्टेंस से जुड़ी कई जानकारी शेयर करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अबाउट सिंगल हॉर्न राइनोसरस। भारत के असम राज्य के आसपास वाले रीजन्स के अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित इलाकों में पिछले कई वर्षों से इस शानदार जीव का बसेरा रहा है। मुख्य रूप से घास के इलाकों में पाए जाने वाले ये जानवर काफी अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि भड़कने के बाद इन्हें काबू करना बिल्कुल आसान नहीं होता। इन्हें अपने इलाकों में किसी भी तरह की घुसपैठ पसंद नहीं, चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान। कई बार तो ये फॉरेस्ट के रेंजर्स पर भी हमला कर देते हैं। वैसे तो दुनिया के कई हिस्सों में राइनोस की लगभग 5 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन भारत में पाए जाने वाले वन हॉर्न्ड राइनोस को स्पेशल माना जाता है। भारत में पाए जाने वाले सिंगल हॉर्न्ड राइनोस दुनिया भर में फेमस है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और इनके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है इंसानों द्वारा शिकार होने का डर। एन एग्रेसिव एटीट्यूड। इस धरती पर कितने ही ऐसे एनिमल्स मौजूद हैं जिन्हें कुदरत ने काफी अनोखे तरीके से सरवाइव करने के लिए बनाया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस दमदार जानवर को एंडेंजर्ड माना जाता है। हालांकि पिछले प्रयासों के बाद से IUCN ने इन्हें वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। ज्यादातर लोग इस जानवर के बिहेवियर से काफी वाकिफ है, क्योंकि इसे काफी जल्द गुस्सा आ जाता है। इसे छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। जंगल के दूसरे जानवरों से बेमतलब भिड़ जाना इनके स्वभाव में है। इस दौरान ये सामने वाले की जरा भी परवाह नहीं करते। फूड एंड हैबिट्स और सर्वाइवल नेसेसिटी। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड्स, सवाना और स्क्रब लैंड्स जैसे एरियाज में पाए जाने वाले ये जीव मुख्य तौर से घास ही खाते हैं। कई जंगल और पार्क में इन्हें कैटल के साथ घास चरते हुए भी देखा जा सकता है। अमेजिंग नेचर वाले ये जानवर ज्यादातर कीचड़ में ही लिपटे रहते हैं। दरअसल इस कीचड़ से उन्हें दो फायदे होते हैं। एक तो कीचड़ के लेप से इनके शरीर को ठंडक मिलती है, वहीं दूसरे ओर कीचड़ का ये लेप इन्हें खतरनाक कीड़े मकोड़ों से भी बचाता है। कहा जाता है कि इस जानवर को तो लौटने के लिए कीचड़, खाने के लिए घास और आराम करने के लिए घने पेड़ों की छाव ही काफी है। बस इतने में ही ये मस्त रहता है। टेरिटरी मार्किंग। वैसे तो राइनोस झुंड में भी रहते हैं, लेकिन अक्सर भोजन की तलाश में या अकेले ही इधर उधर भटकते रहते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान ये एक सर्टेन पाथ से होकर गुजरते हैं और अपनी टेरिटरी को लेकर ये काफी पोजेसिव होते हैं। बताया जाता है कि जिस रास्ते से ये गुजरते हैं वहाँ एक ही जगह पर बार बार गोबर किया करते हैं, मानो इस तरह से ये अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। यूं तो गेंडे की नजर कमजोर होती है, लेकिन इनकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है, जिससे ये अपने आसपास की चीजों का पता लगा लेते हैं और हवा में फैली गंध से या आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। यानी इसकी नजर से तो बचा जा सकता है, लेकिन खतरा फिर भी बना ही रहता है। एनाटॉमी ऑफ अ जॉइंट क्रिएचर। दुनिया भर में गेंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती है। वही भारत में पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडे साइज के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट राइनोस माने जाते हैं। भारत और आसपास पे पाए जाने वाले वन हॉर्न राइनोस दिखने में बलवान और अग्रेसिव नेचर के होते हैं। ये जीव शुद्ध शाकाहारी होते हैं। अगर इनकी साइज की बात की जाए तो ये करीब 5 से लेकर 7 फीट तक होते हैं। वही वजन के लगभग 2 से लेकर 3000 किलो तक के हो सकते हैं, और अगर ओवरऑल लंबाई की बात करें तो ये लगभग 10 से 12 फीट तक के होते हैं। इस तरह से इनका पूरा कॉम्पैक्ट शरीर एक स्ट्रॉन्ग रूप ले लेता है, जिसकी वजह से ये ताकतवर जानवर की लिस्ट में शामिल हो पाते हैं। वाकई में ये काफी स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं। 7 नेशनल पार्क टू स्पॉट वन हॉर्न राइनोस। इंडियन राइनोस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। दरअसल दुनिया के दूसरे देशों में पाए जाने वाले राइनोस में डबल हॉर्न्स होते हैं, वही सिंगल हॉर्न इंडियन राइनोस की पहचान है। इस स्पेशल एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए एशियन कंट्रीज के कई देश आगे आए हैं। इंडिया, नेपाल और भूटान जैसे देशों में कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, जहां राइनोस को कंजर्व किया जाता है।
सिर्फ भारत में ही 7 ऐसी सेंचुरीज है जहाँ राइनोस की पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए काम किया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। इस लिस्ट में इंडिया के असम स्टेट में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क को वन हॉर्न राइनोस का सबसे बड़ा बसेरा माना जाता है। अनुमान के मुताबिक यहाँ इनकी पॉपुलेशन लगभग 2000 के आसपास है। ये एक ऐसा एनिमल है जो काजीरंगा नेशनल पार्क की शान है। बताया जाता है कि इस पार्क में दुनिया भर के करीब 2/3 सिंगल हॉर्न राइनोस रहते हैं। दरअसल साल 1900 के आसपास यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब राइनोस थे, लेकिन बदलते समय और सरकार के एफर्ट से अब यहाँ इनकी संख्या बढ़ चुकी है। लेकिन कई वजहों से इनका शिकार भी किया जाता है। यही वजह है कि इनकी सेफ्टी के लिए नेशनल पार्क जैसे शेल्टर की जरूरत पड़ती है। ये शेल्टर वर्ल्ड वाइड हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंडियन राइनोस की हाईएस्ट डेंसिटी के लिए जाना जाता है, जो कि गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर ईस्ट में लोकेटेड है। एरिया की तुलना में यहाँ राइनोस की संख्या काफी अधिक है। इसके अलावा यहाँ करीब 2000 से अधिक माइग्रेटेड बर्ड्स भी पाए जाते हैं, जो हर साल एक खास वक्त में यहाँ आते हैं और सेंचुरी की सुंदरता बढ़ाते हैं। जलदापारा नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न हिमालय के फुट हिल्स में स्थित जलदापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क माना जाता है। नदी के किनारे स्थित ये एरिया ग्रासलैंड का अच्छा सोर्स माना जाता है और राइनोस के लिए ये एनवायरनमेंट काफी सूटेबल भी होता है। यहाँ इन्हें भोजन की कभी कमी नहीं होती है। यहाँ करीब 100 के आसपास की संख्या में राइनोस पाए जाते हैं। ओरांग नेशनल पार्क असम। ओरांग नेशनल पार्क असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मौजूद है। यहाँ दूसरे जानवरों के अलावा राइनोस भी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। हालांकि बताया जाता है कि यहाँ राइनोस की संख्या 100 से कम ही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पार्क को मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राइनोस के खाने के लिए प्रॉपर क्वालिटी की घास अवेलेबल है। वन हॉर्न राइनोस, वाइल्ड वाटर बफेलो, पिग्मी हॉग, रॉयल बंगाल टाइगर सब मिलकर इस पार्क को शेयर करते हैं। गोरुमारा नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल। भारत के एक और राज्य को राइनो की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। दरअसल नदन वेस्ट बंगाल के दुआर्स रीजन में स्थित गोरुमारा नेशनल पार्क में भी अच्छी संख्या में इंडियन राइनोस पाए जाते हैं। ये रिजर्व फॉरेस्ट हिमालयन फुट हिल्स में मौजूद है और जलदापारा नेशनल पार्क के करीब भी। मानस नेशनल पार्क, असम। हालांकि असम के मानस नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं, लेकिन इस पार्क को रेयर और एंडेमिक वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, जहां इंडियन राइनोस के साथ साथ कई एंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीशीज भी पाई जाती है। लेकिन इस फॉरेस्ट में वाइल्ड वाटर बफेलो की लार्ज पॉपुलेशन पाई जाती है। साथ ही एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल बंगाल फ्लोरिकन भी पाए जाते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के टेरेन रीजन में मौजूद है। इस पार्क में भी बड़ी संख्या में एंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती है। हिस्पिड हेयर, बारासिंगा और इंडियन राइनोस इनमें से प्रमुख है। दरअसल दुधवा नेशनल पार्क में इंडियन राइनोस को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि यहां राइनोस की संख्या अधिक नहीं है, लेकिन वन हॉर्न राइनोस के कंजर्वेशन में इसका भी उतना ही योगदान है जितना दूसरी सेंचुरीज का। ये भारत के 7 ऐसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ दुनिया में सबसे अधिक संख्या में वन हॉर्न राइनोस या इंडियन राइनोस पाए जाते हैं। इन एरियाज में इनके पॉपुलेशन के साथ साथ सर्वाइविंग के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट में भी उपलब्ध कराया जाता है। वही इंडिया के अलावा पड़ोसी देश जैसे भूटान और नेपाल में भी कई इलाकों में वन हॉर्न राइनोस को सिक्योर रखा जाता है। इसमें भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क और नेपाल के चितवन नेशनल पार्क का नाम भी जुड़ा हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ राइनोस। एंडेंजर्ड से वल्नरेबल लिस्ट में आने वाले इस जीव को भारत, नेपाल, भूटान में प्रोजेक्ट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए गए हैं, तब कहीं जाकर ये जानवर इस जंगल में शान से घूम रहा है। हालांकि इनके लीगल ट्रेड के लिए होने वाली हंटिंग को लेकर अब भी चिंताएं बनी हुई है। साथ ही इनकी ब्रीडिंग और लिविंग के लिए और अधिक जगह की जरूरत है, ताकि ये आसानी से सरवाइव कर सके और इनकी पॉपुलेशन को बरकरार रखा जा सके। इंडिया के असम स्टेट में सबसे अधिक राइनोस पाए जाते हैं। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों में यहाँ राइनोस को प्रोजेक्ट करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स और मिशन्स चलाए गए हैं।
खुद असम गवर्नमेंट ने कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इंडियन राइनो मिशन 2020 शुरू किया था, जिसके तहत राइनोज की पॉपुलेशन को बढ़ाने का प्लान बनाया गया। इस मिशन में असम गवर्नमेंट के साथ इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस का अहम रोल रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन में बहुत हद तक सफलता भी मिली। आज इंडिया में वन हॉर्न राइनोस की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और अब चिंता इन्हें प्रोटेक्ट करने की है। तो ये थी इंडियन राइनोस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ, जिसमें हमने वन हॉर्न राइनोस के जीवन और उसके सर्वाइवल के बारे में काफी कुछ जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि सभी अमेजिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे कुछ नए और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।